अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत दिनों के बाद एक किचन व्लॉग आने वाला है मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं। और ये है जी फ्राइडे का व्लॉग, जो कि मैं ऑफिस में थी तो मैंने उस दिन बिरयानी मंगाई थी क्योंकि मैं लंच नहीं लेकर के गई थी। तो ज़ोमैटो से मैंने बिरयानी महल से बिरयानी मंगाई थी। तो जनरली ऐसे ही होता है कि अगर मैं मतलब मुझे कुछ अच्छा खाने को मन कर जाए ना ऑफिस में, तो बस ज़ोमैटो आजकल तो बड़ा ही ज़्यादा ये है। और फिर मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ, आप भी लिया कीजिए, इज़ वेरी हेल्दी विदाउट शुगर ऑफ कॉर्न। Hi guys and welcome back to the channel. Or today is Saturday and we are going to the Eco Park. Eco Park and everyone is ready. You can see Azlan is here. That is Star guys. So abhi Anzila is packing. Hello. So Anzila is packing her lunch. वो picnic बनाने वाली है वहाँ पे. तो क्या क्या रखा Anzila बता दो मुझे. Azu say hi, come here. Hi. Hi. What's up, banana? Okay, Azu, leave it. No phone now time. Okay, Azu. Yeah? Did you bring the spoon? Okay, I'll bring. Come here, yeah. Hmm. Okay. Mommy, I'm going to eat. Haan, we will eat. Eco Park, mein, okay? So I will show you how Anzila makes sandwich. So you have to say na. This is the food jam. So, आज बहुत दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं ना, तो we'll have lots and lots of fun, है ना? Azu, are you? Show me. Azu also ready na? I just broke it. Soda, chips, banana chips, candy. So just done. One. Okay. Chalo, how many? Only one. She is making her sandwich. And daddy is ready here. It's taking too much time. Let's go. तो जी उस दिन तो हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो बस वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने जो अपलोड किया है इको पार्क के नाम से, तो वो मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो था। तो मैंने इसमें किचन में जो मैंने उस दिन बनाया था किचन व्लॉग ये है प्रॉपर। तो बस उसके बाद फिर चाय, शाम की चाय, बस मतलब सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी मिल जाए ना तो फिर क्या कहूँ, इतना रिलैक्सिंग फीलिंग होता है। तो बस मैंने बनाया चाय, इलायची वाले चाय, और फिर बहुत दिन से मैं पनीर बनाने का सोच रही थी तो फाइनली मैंने बना ही लिया पनीर। और बहुत ज़्यादा चिकन बन रहा था तो पनीर बस रखा ही हुआ था फ्रिज में, तो मैंने बना लिया। और मटर पनीर मैंने बनाया था, तो मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ कि बहुत इजी तरीके से मैं बनाती हूँ। और जो इसकी रेसिपी है ना, वैसा कुछ ख़ास तो नहीं है। लाइक इसे आपको क्या करना है ना, पहले मैं क्या करती हूँ कि गरम मसाला डाल लेती हूँ, और जनरली मटर सिर्फ मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें शिमला मिर्च मुझे डालना रहता है, कभी आलू मैं डाल देती हूँ मटर के अलावा, क्योंकि अंजी की दादी शिमला मिर्च खाती हैं, फिर मटर कुछ लोग खाते हैं, फिर आलू कुछ लोग मांगते हैं, फिर थोड़ा पनीर, तो सारा चीज़ मिक्स करके बनाना पड़ता है। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बेसिक मसाले जाएंगे इसमें। तो एक तरफ मैंने पनीर जो है ना
वो मैंने क्या किया था कि बॉईल कर लिया था पानी में, उसे पैकेट के साथ ही डाल करके ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसे फिर कट कर लिया और फिर उसे हल्का सा फ्राई कर लिया। इस तरह से पनीर जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहती है बनने के बाद भी, और टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और जो पनीर का जो तेल रहेगा ना वो बिल्कुल भी मत हटाइएगा, क्योंकि वो हमारे आगे काम में आएगा। या तो हम लोग वो ग्रेवी में डाल देंगे, या तो हम लोग उसे जो आटा बनाएंगे उसमें डाल देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अनियन का पेस्ट मैंने डाला है, और फिर मैं सारे मसाले डाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ना इसी तरह से बस फटाफट मैं कोशिश करती हूँ ना कि जल्दी से जल्दी अच्छा खाना बन जाए। तो बस मैंने बहुत ही इजी है, सारे मसाले मिला करके बस इसे कुकर में चढ़ाना रहता है। और मेरे पास फ्रोज़न मटर था जो कि मैं रखी हुई थी। कभी कभी क्या रहता है ना कि बहुत ही हड़बड़ में रहता है, तो ये सब चीज़ें रहती है, थोड़ा आराम रहता है, तो अचानक से अगर मन कर गया कुछ बनाने का तो फिर बस। तो मैंने बना लिया उस दिन, फ्रोज़न मटर ही मैंने बना लिया था, हालाँकि अभी सीज़न है, मटर मिल रहा है फिर भी। तो बस ये सारे को फिर कुकर में डाल करके थोड़ा गला लेंगे, क्योंकि फ्रोज़न मटर जो है ना वो थोड़ा बॉयल होने में टाइम लगाता है। तो उसे फिर मैंने प्रेशर दे दिया था और पनीर मैंने ऐड कर दिया। तो लास्ट में आपको लुक दिखाऊंगी इसका। और साइड बाय साइड मैंने प्रिपेयर किया तंदूरी रोटी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पनीर के साथ तंदूरी रोटी। और इसमें मैंने मिला दिया है बेकिंग पाउडर और नमक, थोड़ा चीनी मैं मिलाऊंगी। और जनरली मैं इसे ड्राई ईस्ट के साथ बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास ड्राई ईस्ट नहीं थी उस दिन, और दही काफ़ी दिन से था मेरे पास रखा हुआ, तो मैंने सोचा चलो दही के साथ ही बना देती हूँ। और दही जो है वो उसकी क्वांटिटी रहेगी, आपको अंदाज़ा जो है लाइक अगर आप हाफ़ केजी आटा ले रहे हैं तो आपको 100 ग्राम्स के अराउंड दही लगेगी, और हल्का सा खट्टा दही रहना चाहिए ताकि उसका खमीर जो रहे वो बिल्कुल तंदूरी रोटी वाली टेस्ट आए। और ये जो है इसमें पानी मैं मिला दूँगी और उसे मैं विस्क कर लूँगी ताकि जो दही है वो लम्प्स ना पड़े, और इसी पानी से फिर मैं आटे को सान लूँगी। और मैंने जो ऑयल भी मिलाया है ना वो जो पनीर का जिसमें मैंने पनीर तला था वो ऑयल मैंने मिला दिया है। तो नमक और चीनी तो ड्राई ईस्ट के साथ जाती है, मैंने ऐसे भी सब कुछ डाल दिया, बस फ्लेवर अच्छा हो जाता है, थोड़ा मीठा रहता है। तो और इसके बाद मैं इसे सान लूँगी अच्छे तरीके से। ये सानने के टाइम थोड़ा स्टिकी रहता है, लेकिन उसके बाद फिर ये जब सेट हो जाता है ना, लाइक इसे आप 2-3 आवर्स छोड़ दीजिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 2-3 आवर्स छोड़ती, तो इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर मिलाया था इसमें थोड़ा, तो ये थोड़ा स्टिकी रहता है, लेकिन उसके बाद फिर हल्का आप ऑयल लगा करके इसे आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बन गया है जी मटर पनीर, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल नॉनस्टिक है, और इसे मैं बेल लूँगी। और इसे बेलने के बाद ये थोड़ा टफ़ होता है बेलना, मैदे को बेलना थोड़ा टफ़ होता है ऑफकोर्स, तो इसे बेलने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस पे धनिया पत्ती लगा सकते हैं, आप इस पे अगर चाहे तो अजवाइन डाल सकते हैं, मंगरेला डाल सकते हैं, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो बहुत अच्छा लगता है ये मैदे के साथ अगर कुछ मिला दें। और इसे बनाने का जो तवा पे जो तरीका रहता है ना वो डिफरेंट रहता है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये सिखाएगी कैसे। इसे ना एक्चुअली बेल करके जिस तरफ आप तवा पे डालिएगा ये रोटी, तो उधर आपको पूरा पानी लगाना पड़ता है ताकि ये स्टिक हो जाए तवे के साथ, और फिर आप तवा पलट करके इसे सेकिए। तो अगर ये एक तरफ से स्टिक हो जाएगा, और तवा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, अगर गर्म नहीं होगा तो ये रोटी जो है वो निकल के गिर जाएगी आग में, और फिर वो तंदूरी वाला लुक नहीं आएगा। तो मैं अभी आपको जस्ट दिखाती हूँ।
और जी अंजला खा पी कर रेडी है, बस ब्रश करके वो अभी सोने जाएगी और अजलान भी बिल्कुल रेडी है सोने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।